वेरी गुड इवनिंग बच्चों, आज हम क्विक कॉन्सेप्ट्स की सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। आपने अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे कि अगर गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होता है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, या फिर अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाए तो उससे रिलेटेड भी कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। और ये आपको समझ में आना चाहिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं, तो आज मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूं। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हमारा आज वीडियो है, ठीक है। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है बच्चों, ये अन अकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट जिसे हम यूएसटी कहते हैं, ये होता है हमारा हर संडे पे, आप इसे आके ऑनलाइन भी दे सकते हैं और इसमें आपको 90% स्कॉलरशिप मिल सकती है और इससे आप अन अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं बच्चों। तो अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस साइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट पर, या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, अन अकेडमी के साथ जुड़ने का एक तरीका है बच्चों, इसको आप अवेल करिए और इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। चलिए तो हम आते हैं बच्चों गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के बारे में। और पहले उससे कि मैं गॉल ब्लैडर के स्टोन के बारे में आपको बताऊं, मैं कुछ बातें आपको बताता हूं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। लिवर का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं, देखे पहले आपको लेवर की थोड़ी एनाटॉमी समझनी पड़ेगी तो ही मैं आपको बता पाऊंगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर करना। देखो ये लेवर है जो कि आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की। यहां पर एक लिगामेंट है जिसका नाम है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, अगर आपको नहीं भी याद रहेगा तो भी चलेगा, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। देखो बच्चों लेवर के दो लोब्स होते हैं, राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। राइट लोब थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट लोब से, फिर राइट लोब के फर्दर पार्ट्स होते हैं, वो हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आप देखें तो लेवर के लिए एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम होता है हेपेटिक। जिनको कुछ भी नहीं आता उनके लिए भी बता रहा हूं, हेपेटिक वर्ड का मतलब होता है लेवर। तो लेवर का काम होता है बाइल को प्रोड्यूस करना और गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल को स्टोर करना। देखिए यहां से एक डक्ट जा रही है और यहां से भी एक डक्ट आ रही है, ठीक है। ये दोनों डक्ट्स जब ज्वाइन कर जाएंगी, पहले इन दोनों डक्ट्स का नाम समझ लें आप, ठीक है। दोनों डक्ट्स का क्या क्या नाम है ये देखो, ये वाली जो डक्ट है इसका नाम है राइट हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक वर्ड लिवर के लिए यूज होता है, ठीक है। आपने सुना होगा हेपेटाइटिस जो होता है लिवर की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, यह राइट हेपेटिक डक्ट है। यह है बच्चे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करें, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। अब ये दोनों जब ज्वाइन कर जाती है तो इसे बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसे कॉमन बाइल डक्ट कह देते हैं, ये कॉमन बाइल डक्ट नहीं है, कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ठीक है। गॉल ब्लैडर एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है जो कि यहां पर मौजूद होता है राइट लोब ऑफ लिवर के नीचे, और यहां से एक डक्ट आ रही है, इसका नाम सिस्टिक डक्ट है। देखिए जो मैं बना रहा हूं ये सिस्टिक डक्ट है, मैं थोड़ा सा इसको इधर ले जाता हूं क्योंकि मुझे बनाना है, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर है, इस गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल को स्टोर करना, ठीक है। और ये जो है बच्चे आपकी एक डक्ट है जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट, इस डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट जो है वो गॉल ब्लैडर की डक्ट है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझें, ये सिस्टिक डक्ट और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट जब ज्वाइन कर जाती है तो बनती है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, आजकल शॉर्ट फॉर्म चलाने की बड़ी आदत हो गई है तो इसको हम सीबीडी भी कह देते हैं, कॉमन बाइल डक्ट को सीबीडी भी कह देते हैं, ये कॉमन बाइल डक्ट है, ठीक है जी। अब आप देखें यहां से आपका ईसोफेगस आ रहा है फूड पाइप, यहां से आपका स्टमक है, ठीक है, और यहां से आपका डियोडेनम है, ये आपका डियोडेनम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉमन बाइल डक्ट को थोड़ा सा मोड़ देते हैं, ऐसे इतना ऐसे मुड़ी नहीं होती, अभी तो मैं समझाने के लिए मोड़ रहा हूं, ऐसे कॉमन बाइल डक्ट यहां से आ रही है, ठीक है। और यहां से पेनक्रियास की डक्ट आ रही है, ये पेनक्रियास की डक्ट आ रही है यहां से, दिस इज पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये दोनों जब डक्ट जुड़ जाती हैं, जब दोनों जुड़ जाती हैं, ये पेनक्रियास और इसकी डक्ट जुड़ जाती है तो ये हेपाटो पेनक्रियाटिक एम्पुला बनता है, दिस इज कॉल्ड हेपाटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, हेपाटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। देखो बच्चे जहां भी एम्पुला वर्ड लगा होता है उसका मतलब डायलेटेड पोर्शन होता है। फिर से देखें, आपके पास ये डियोडेनम है, मान लो ये डियोडेनम है, दिस इज डियोडेनम, ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इसे डियोडेनम कहते हैं। इस डियोडेनम में यहां से आई आपकी कॉमन बाइल डक्ट, यहां से आई आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, और ये जब कंबाइन कर गए तो ये बन गया हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। इसी एम्पुला का नाम एम्पुला ऑफ वेटर भी होता है, वेटर साइंटिस्ट का नाम है। फिर से देख लें आप,
थोड़ा डायग्राम को समझें, इसको समझेंगे तो आपको गॉलब्लैडर में स्टोन के बारे में मैं बता पाऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि गॉलब्लैडर में अगर हम गॉलब्लैडर को हटा देंगे तो क्या होगा। फिर से देखें आप, ये राइट हेपेटिक डक्ट है बच्चे, आप देखेंगे ये राइट हेपेटिक डक्ट है, यहां पर मैं सर्कल कर रहा हूं, राइट हेपेटिक डक्ट, थोड़ा सा रिवाइज कर लें, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट लेफ्ट लोब से आ रही है, ये आपका कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये गॉलब्लैडर, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर के साथ ये सिस्टिक डक्ट है, कॉमन हेपेटिक डक्ट, जब ये और सिस्टिक डक्ट जुड़ेंगी तो कॉमन बाइल डक्ट होगी। ये देखो ये कॉमन बाइल डक्ट है, दिस इज कॉमन बाइल डक्ट, ये सारी कॉमन बाइल डक्ट है, ठीक है। और यहां से आपकी आ रही है पेनक्रियाटिक डक्ट, ये पेनक्रियास से आ रही है पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक जूस लेके आ रही है, यहां से कौन सा जूस आ रहा है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, और यहां से कौन सा जूस आ रहा है बाइल जूस, ठीक है, और ये आपका हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला है। अब स्फिंक्टर की अगर बात करें तो यहां पर एक स्फिंक्टर होता है, यहां पर एक स्फिंक्टर होता है, इसका नाम ओडाई होता है, यहां पर एक स्फिंक्टर होता है, इसका नाम बॉयडन होता है, ठीक है, इसका नाम ओडाई है, ओडीडीआई, ओडाई स्फिंक्टर, ठीक है, और इसका नाम है बॉयडन, मैं यहां लिख देता हूं बॉयडन, जगह वहां पर कम है, थोड़ी सी डायग्राम गुच्छड़ मुच्छड़ ना हो जाए, तो ये बॉयडन, ये वाला रेड वाला, ठीक है, आप समझो। देखो बच्चे, लिवर का काम है बाइल को प्रोड्यूस करना और गॉल ब्लैडर का काम है बाइल को स्टोर करना, ठीक है। लिवर बाइल को प्रोड्यूस करेगा, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करेगा। मैं स्टोरेज का मैकेनिज्म बता देता हूं, स्टोरेज का मैकेनिज्म यह है कि यहां से तकरीबन 600 से और 800 मिलीलीटर बाइल प्रोड्यूस होती है एक दिन, ठीक है। अब बाइल यहां से प्रोड्यूस हुई, देखो अब आपने कुछ खाना नहीं खाया हुआ, सोचो कि आपने कोई खाना नहीं खाया हुआ, यहां पर आपके फूड नहीं है, जहां मैंने क्रॉस लगाया वहां पर फूड नहीं है, जब यहां पर फूड नहीं है बाइल यहां से आ रही है, देखो ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, ये स्फिंक्टर ना कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, अगर ये स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अब आप सोच सकते हैं कि बाइल यहां से गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर से सुनो, आप देखो यहां पर खाना नहीं है आपके, मैंने क्रॉस लगाया, यहां पर फूड नहीं है, तो जब यहां फूड नहीं है यहां से बाइल आ रही है, बाइल यहां से रिलीज होती जा रही है, यहां पर लिवर सेल्स होती है वो बाइल बनाती रहती है, देखो ये टप 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 बाइल आ रही है, आ रही 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 आ रही, है ना। अब बाइल का यहां जाने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि यहां तो खाना ही नहीं खाया हुआ, बाइल में बाइल सॉल्ट्स होते हैं, उनका काम इमल्सिफिकेशन होता है, यहां तो जाने का कोई लॉजिक नहीं है, तो क्या होगा ना, ये स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये जो आपका बॉयडन का स्फिंक्टर ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और बाइल यहां के स्टोर हो जाएगी, यहां के स्टोर हो जाएगी, यहां पर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो लिवर की बाइल और गॉल ब्लैडर की बाइल में थोड़ा डिफरेंस भी होता है, पीएच में भी डिफरेंस होता है, लिवर की बाइल का पीएच 8.4 होता है, गॉल ब्लैडर का 7.6 होता है। खैर ये नीट में नहीं पूछेंगे आप, कभी कभी क्या होता है ना बच्चे, ध्यान से सुनेंगे, कभी कभी क्या होता है कि कोलीलिथियसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, कोलीलिथियसिस। अब आप देखो ये टर्म एनसीईआरटी में तो नहीं दी हुई है, लिथ का मतलब होता है स्टोन, ठीक है, और कोली का मतलब है यहां पर बाइल, तो यहां गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, तो गॉल ब्लैडर में स्टोन होने को कोलीलिथियसिस कहते हैं। सवाल यह है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों हुआ, ठीक है, आप समझें। देखो बाइल और कोलेस्ट्रॉल इन दोनों का ना युद्ध चलता रहता है, आप समझें, एक है बाइल जूस और एक है कोलेस्ट्रॉल। अब बाइल जो है ना एक तरह से कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करती है, समझे आप, बाइल इज अ सॉल्वेंट फॉर कोलेस्ट्रॉल। कभी कभी क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए या बाइल उसको डिसॉल्व नहीं कर पाए किसी भी वजह से, या तो बाइल का प्रोडक्शन कम है, या बाइल कोलेस्ट्रॉल की रेशियो बिगड़ गई, या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है बाइल कम है, तो सॉल्वेंट नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल यहां पर ऐसे 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 डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो अब जब कोलेस्ट्रॉल ऐसे डिपॉजिट हुआ, बाइल उसे डिसॉल्व नहीं कर पा रही, तो गॉल ब्लैडर में छोटे छोटे स्टोन्स हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को कोलीलिथियसिस कहा जाता है। कोलीलिथियसिस, लिथ मतलब स्टोन, कोली मतलब बाइल, यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। अब ना लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है, देखो किडनी वाला स्टोन अलग होता है, वो आपका यूरेट्स और ऑक्सलेट से बनता है, किडनी वाला स्टोन फिर कभी बताऊंगा, वो कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम यूरेट से बनता है, यहां पर जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है वो अलग है। और लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है कि भाई यार पत्थर खाने से स्टोन हो जाता है, जितने मर्जी पत्थर खाओ आप, ठीक है, फ्राई व्राई करके जैसे मर्जी करके उबाल के खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टोन नहीं होता, ठीक है, जैसे मर्जी खाओ, पत्थर का आप चूरमा बना के खाओ, जो करना आपको करो, नहीं होगा वो, सुबह सुबह आपको फीसिस से पॉटी से निकल जाएगा, उसका कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। स्टोन एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब स्टोन में क्या है कि कोलेस्ट्रॉल जो है जम गया जाके गॉल ब्लैडर में, बाइल उसे डिसॉल्व नहीं कर पा रही। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, कभी कभी स्टोन जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन भी कर देते हैं, यहां पर एक बड़े वाला स्टोन बन जाएगा, देखो बड़ा स्टोन, कैसे कलर भी वही बनाते हैं ना जो स्टोन का बनाया था, देखो यहां पर ये छोटे छोटे स्टोन जो है ना, ये छोटे छोटे स्टोन है ना, ये यहां के ऑब्स्ट्रक्शन कर देंगे, कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि बाइल यहां से पहुंचेगी ही नहीं ड्यूओडेनम में। देखो बाइल में बाइल सॉल्ट्स होते हैं,
उन बाइल सॉल्ट्स का काम होता है इमल्सिफिकेशन करना, इमल्सिफिकेशन करना फैट का। देखो डाइजेशन से पहले इमल्सिफिकेशन होता है। बाइल सॉल्ट्स दो तरह के होते हैं, सोडियम टॉरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट। आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बताने में, वैसे अगर आप मैंने वीडियो में बोल दिया इफ यू वांट टू रिमेंबर इट इज गुड, नहीं याद है तो वही नहीं चलेगा तो भी चल जाएगा मतलब। तो बाइल सॉल्ट्स बच्चों इमल्सिफिकेशन करते हैं फैट का। इमल्सिफिकेशन डाइजेशन से पहले होता है। फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम लाइपेस होता है। पहले आप यह भी समझ लीजिए कि फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम लाइपेस होता है। लाइपेस तीन होते हैं, पीआईजी, पेनक्रियाटिक, इंटेस्टिनल और गैस्ट्रिक। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइपेस पेनक्रियाटिक होता है, जिसे स्टीपसिन भी कहते हैं। इतना याद मत करना, बस ये याद रखो कि तीन तरह के लाइपेसिस होते हैं। लाइपेस वो एंजाइम होते हैं जो फैट को डाइजेस्ट करते हैं, तो पेनक्रियाटिक, इंटेस्टिनल और गैस्ट्रिक। ठीक है, ये तीन लाइपेसिस होते हैं जो फैट को डाइजेस्ट करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर तो स्टोन हो गया, जब यहां पर स्टोन हो गया तो अब बाइल तो यहां पहुंचेगी नहीं, यहां पहुंचेगी नहीं। ठीक है, तो उस केस में फैट्स का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, और अगर फैट्स का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो उनका डाइजेशन भी पुअर हो जाएगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो अब डॉक्टर के पास दो तरीके हैं, या तो इस स्टोन को तोड़ दे, ठीक है, या फिर अब एक काम और होता है कि इस गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर दे। अगर मान लो स्टोन ने इतने डैमेज कर दिया कि गॉल ब्लैडर की बैंड बजाती है ना, कई कई बार गॉल ब्लैडर बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाता है, तो उसे रिमूव कर देते हैं गॉल ब्लैडर को। तो गॉल ब्लैडर के रिमूव करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कोलीसिस्टेक्टमी। देखें आप, जहां भी एक्टमी वर्ड लगा होता है उसका मतलब काटना होता है, यानी कि रिमूवल। टोमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ, यहां पर क्या है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया, ठीक है, तो गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। अब अगर गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया तो नेचुरल सी बात है कि अब उस व्यक्ति में जो है अच्छे से इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होगा ही नहीं, क्योंकि बाइल सॉल्ट्स तो खत्म हो गए। अब कई लोग कहेंगे कि भाई सर यहां से लिवर से भी तो बाइल आ सकती है, लेकिन देखो जब बाइल यहां पर आती है ना, यहां पर जैसे फूड यहां से बाहर आता है, आपको मैं एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेट करना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप। ये देखो, ये आपके पास लिवर था, ठीक है, यहां पर आपके पास राइट हेपेटिक डक्ट है, यहां पर आपके पास लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, कॉमन हेपेटिक डक्ट है, सुनते जाएंगे, यहां पर गॉल ब्लैडर है, यहां पर सिस्टिक डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट है, यहां से आपका स्टमक आ रहा है, यहां से आपका डियोडेनम आ रहा है, ठीक है, ये आपका ऐसा आया, और यहां से आपके पास पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है। ठीक है, अब आप सोचो, अब आपको ये लगेगा कि सर यहां से भी तो आ सकती है बाइल लिवर से, ठीक है, नहीं आएगी ना। पूछो क्यों, क्योंकि जब यहां से फूड बाहर आता है तो इसे काइम बोला जाता है। व्हाट इज काइम, काइम इज सेमी डाइजेस्टेड फूड, सेमी डाइजेस्टेड फूड मिक्स्ड विद एचसीएल, है ना, मिक्स्ड विद एचसीएल, ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। जैसे ही काइम यहां से बाहर निकलता है, डियोडेनम में काइम आ रहा है, तो डियोडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है कोलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। ये आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी दिया हुआ है, कोलीसिस्टोकाइनिन के बारे में पेज नंबर 333-334 पे कहीं पर है, ठीक है, कोलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। फिर से समझे, जैसे ही फूड यहां से बाहर आया, जैसे ही काइम यहां से आई, तो ड्योडेनम डिस्टेंड हुआ, ड्योडेनम थोड़ा सा डिस्टेंशन हुआ, डिस्टेंशन का मतलब ड्योडेनम थोड़ा सा फूल गया, है ना, जैसे खाना खाने के बाद आपका पेट भर जाता है, ड्योडेनम जैसे डिस्टेंड हुआ, यहां से एक हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, CCKPZ, ठीक है। अब ये हार्मोन कैसे जाएगा, ये हार्मोन ब्लड से जाएगा यहां पर गॉल ब्लैडर को। देखो नाम क्या है, कोली वर्ड का क्या मतलब है, बाइल, है ना, सिस्ट का मतलब क्या होता है, ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है, काइनिन, काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो बाइल यहां से निकल के डर ऐसे 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 करके यहां से बाहर आ जाएगी, और इधर से पेनक्रियाटिक जूस आएगा, पेनक्रियोजाइमिन स्टिमुलेट करेगा, इधर से पेनक्रियाटिक जूस आएगा, तो फूड के ऊपर आके काम करेगा। तो ये मैकेनिज्म है बच्चों, अगर आपने गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया ना, मैकेनिज्म लॉस हो जाएगा। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ही फूड बाहर आएगा, काइम बाहर आएगी, ड्योडेनम हल्का सा चौड़ा हो जाएगा कि फूड आ गया, है ना, मतलब डिस्टेंड हो जाएगा, डिस्टेंशन से एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा, हार्मोन स्मॉल इंटेस्टाइन से ही प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है कोलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाजाइमिन, वो कोलीसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो बाइल आती है। अब आप ये सोचो, अगर मान लो गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया, मान लो आपने सुबह 7:30 शाम को आपने आलू के पराठे खा लिए, है ना, और वो 9 बजे तक यहां पहुंचे, पता चला बाइल जो है वो 11 बजे आ रही है, तो मिक्सचर ही नहीं हो रहा, या बाइल पहले ही चले गई, बाइल आगे आगे पराठे पीछे पीछे, ऐसा थोड़ा चलता है, मैकेनिज्म लॉस हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये आपका इमल्सिफिकेशन नहीं होता। तो जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है उनको एडवाइस यही होती है कि भाई पिज्जा विज्जा मत खाओ, पिज्जा खाना है
मत ही खाओ तो अच्छा है ना, उसमें फैट होता है, फैट वैट मत खाओ, ठीक है, फैट फ्री फूड खाओ। अच्छा मेरा एक सवाल है, ये तो मैंने आपको समझा दिया, मेरा एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर मान लो कि गॉल ब्लैडर किसी का रिमूव हो गया, ठीक है, तो उसके इंटेस्टाइन में पीएच जो है वो बढ़ेगा चॉइस ए, पीएच डिक्रीज होगा चॉइस बी, पीएच सेम रहेगा चॉइस सी, ठीक है, और पीएच जो है वो रुक जाओ, चॉइस में एक डाल देते हैं, अब रुक जाओ, फोर्थ चॉइस में डाल देते हैं बोथ ए एंड बी। तो इसका जवाब देना, क्वेश्चन है इफ गॉल ब्लैडर इज रिमूव्ड तो इसमें पीएच जो है आपका इंटेस्टाइन का क्या बढ़ेगा, कम होगा, सेम रहेगा, या फिर बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये अभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया तो पीएच के ऊपर क्या चेंज आएगा। बाकी फैट्स का डाइजेशन पुअर होगा, ये तो मैंने आपको बताई है, फैट्स के डाइजेशन पुअर होने को स्टीटोरिया कहते हैं, ये सब एमबीबीएस में पढ़ाते हैं, इसको नहीं पढ़ना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, कमेंट में इसका जवाब जरूर दें और हमारे साथ जुड़ रहे। अगले वाले सेशन में मैं कुछ और कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।